वेलकम बैक द न्यू एपिसोड गाइस। फिलहाल ही मैं आज हम जाने वाले हैं सांबर शाकंभरी माता, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं शाकंभरी माता एंड सांबर झील। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। फिलहाल ही मैं सुबह के बज रहे हैं 10:30। सो हे गाइस, फिर से आज एक नई राइड के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं और राहुल बैठे थे फ्री और हमने प्लान कर चुके थे कि हम आज जाने वाले हैं सांबर शाकंभरी माता। तो वहाँ पे हम घूमने वाले थे सांबर शाकंभरी माता प्लस सांबर झील। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो साइबेरियन पक्षी जो वगैरह हैं वो भी वहाँ पे मिलते हैं। बट देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या नहीं मिलती है। और भाई सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है। और जो दिक्कतें मेरे को ये आ रही थी इसमें कि जो मेरा कैमरा था वो बार बार का जो स्क्रू है वो ढीला हो चुका था, जिसकी वजह से वो बार बार नीचे गिर जा रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम राइड करेंगे तो पहले इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम राइड पे जाएंगे। बिकॉज एक जो कैमरा है उसमें थोड़ा बहुत साउंड मिस्टेक आ रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे कैसे क्या क्लियर करेंगे। बट अभी के लिए आप चेक करो यहाँ का व्यू कैसा क्या है एंड चलते हैं आगे। मजे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं गाइस आज। ये और आज शुरू में क्या है कि धूप भी इतनी बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से दिमाग तो गर्म हो रहा था, सर भी गर्म हो रहा था, पूरी तरह पसीने हो रहे थे। बट बाइक चलाते टाइम इतना कुछ पता नहीं था कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या चाहते हो? तो चलते हैं, अब चेक कीजिए बस, ये चेक कीजिए। जमाने खुशी तीत को परवा छैन, तिमी छो साथ त पाउने दिनको डर छैन। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे वो अपने बिल्कुल सामने है एंड हाय साहब, शूटिंग वगैरह की जाती है वो इसी एरिया में की जाती है। कौन सा रास्ता है मैं नहीं बताऊंगा। गाइस यही रास्ता जो है तो अपनी मंजिल पर ले जाने का रास्ता है। नहीं और कौन खड़े भाई रास्ते में, देखो सामने कौन है भाई, ये क्या चाहते हैं? पकड़ मेरे को जानता नहीं है। तो गाइस फाइनली मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं एंड हमें वहां पे जाके देखा तो सभी लोग जो भक्त थे वहां पे बैठे हैं एंड मंदिर के जो दरवाजे हैं वो भी बंद है, बिकॉज अभी उसको ओपन होने में भी बहुत टाइम है। जितनी देर में हमने सोचा कि अपना कुछ व्हाट्सएप वगैरह चेक कर लेते हैं, अपनी फ़ोटो को कुछ निकाल लेते हैं, तो हमने अपनी फ़ोटो निकाली और देखने लगे क्योंकि वैसे भी हम स्मार्ट है और व्हाट्सएप चेक करते रहे, वैसे कुछ रिप्लाई वाइप में कुछ देने का नहीं था। तो भूख लग रही थी, सोच रहे थे कहीं भूख का जुगाड़ हो जाए तो बढ़िया रहेगा। हमने आसपास देखा कहीं पे एंड नीचे जाके देखा तो एक शॉप के अंदर फ्री ट्रस्ट के थ्रू यहाँ पे फ्री खाना दिया जा रहा था, तो हम भी वहाँ पे जाके बैठ गए और खाना मस्त था वहाँ पे। यहाँ पे भूख लग गई थी तो
ट्रस्ट के हिसाब से फ्री खाने की व्यवस्था एंड चपाती एंड दाल बहुत बढ़िया है। नमकीन वहाँ सोचती तो वहाँ से ले ली थी हमने। तो गैस खाना करके हम निकल चुके थे दर्शन के लिए। हमें सूचना मिली थी कि दरवाजे खुल चुके हैं एंड भीड़ तो वैसे भी ज़्यादा होने वाली थी। एंड चलते हैं आगे और फटाफट से दर्शन कर लेते हैं क्योंकि बाद में लेट भी हो सकते हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दर्शन हमने कर लिए। आपके लिए भी कुछ चोरी छुपे फोटेज जो है ले लिए हैं एंड मस्त का है। इतना दूर से आके दर्शन किए जो हमें मस्त लगा। एंड चलते हैं बाहर और देखते हैं सांबर झील और साइबेरियन पक्षी जो है उसके लिए। तो मैं गाइस ये लोकेशन है, वो लोकेशन है जहाँ पे पीके की शूटिंग वगैरह या फिर सुपर 30 जिसको बोल सकते हैं, एक दो फिल्म और थी जिसकी शूटिंग इसी सांबर झील के अंदर हुई थी। एंड ये वो जो लोकेशन है वहाँ पे पीके शूटिंग वगैरह, जहाँ पे बस वगैरह जो पीके की बस या फिर जिसको बोल सकते हैं ट्रेन है जो यहाँ से गई थी। एंड ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे वो भी पीके शूटिंग में है। फिलहाल में चारों तरफ दूर दूर तक पानी है, टोटल आ जाओ रेगिस्तान है, नमक के टीले वगैरह बने हुए हैं। एंड हेलो फ्रेंड्स, जो साइबेरियन पक्षी वगैरह आते थे वो इस बार बहुत कम है। एंड मेरे हिसाब से जो वहाँ पे ये है वहाँ पे हो सकते हैं, कंफर्म नहीं पता, बट इस बार शायद कम है साइबेरियन पक्षी जो साइबेरिया से। आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ, तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया पहाड़ मेरी। नमक के ढेर है, ये है राहुल और ये छोटी छोटी पुराने जमाने की जो गाड़ियाँ हुआ करती थी लकड़ियों की, ये वो है। और चेक दिस आउट गाइस, यहाँ पे बहुत मस्त है। एंड ये पुराने ज़माने की पटरियाँ है, ये पुराने ज़माने के ट्रेन है और भी बहुत कुछ, ये नमक है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। एंड देखते हैं आगे, मैं जाके चेक करवाता हूँ कि कैसे क्या है। नमक के पास और देखते हैं कि नमक कैसा है। एंड ओ भाई, ये जो नमक है गाइस बहुत मोटा है, ये टूट भी नहीं रहा, इतना टाइट है ये नमक। नहीं एंड ये देखिए टूट भी नहीं रहा, ये मतलब पूरा सॉलिड नमक है ये। सब इसको फिल्टर किया जाएगा एंड फिल्टर करने के बाद इनकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग होने के बाद में ये मार्केट में आता है। और चारों तरफ जैसे कि आप देख रहे हो चारों तरफ नमक ही नमक है। एंड ऊपर सब जगह इन ट्रॉलियों के माध्यम से यहाँ पे नमक लाया जाता है। वेरी मस्त है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे बहुत ज़्यादा नमक है यहाँ पे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ये चेक जरूर कीजिएगा गाइस। मेरे से गाइस टूट भी नहीं रहा ये, देखो सॉलिड है, बहुत ज़्यादा है वो, बहुत ठोस है ये। ओ भाई मेरे पैर दल दल के अंदर फंस चुके एंड मैं नहीं चाहता कि अब फिर से। ओ भाई देख लो जूते कैसा लगा, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, बट मेरे जूते की हालत हो चुकी है ख़राब। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पानी के अंदर भी अगर देखूं मैं तो शायद आपको तो नहीं दिख रहे होंगे, बट इस पानी के अंदर क्रिस्टल है। अब ये नमक के क्रिस्टल है कि क्या है पकड़ मेरे को इतना मालूम नहीं है,
बट इस पानी में देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा नमक जमा हुआ है उस पास पास में, और ये पानी भी पता नहीं ऐसा कैसा टाइट सा है। अरे कहना क्या चाहते हो? पैर अपने धो लेते हैं। पानी हाथ में लेने के बाद में पता नहीं कैसा क्या हो गया, मेरा हाथ चिपकू सा हो गया। चलो निकलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई हम सांभर झील में तो कहीं भी फ्लेमिंगोस नहीं है, एंड यहीं सांभर झील के कुछ हिस्से में हमें जब रिटर्न में घर जा रहे थे तब हमें फ्लेमिंगोस के कुछ दिखे बर्ड्स। फ्लेमिंगो ये गाइस इंजॉय भी किया हमने वहाँ पे कुछ। तो गाइस रिटर्न में आते वक्त मौसम कुछ ऐसा ख़राब हो चुका था, बारिश का मौसम हो चुका था, शायद पहले यहाँ पे बारिश हो चुकी थी। गाइस फाइनली घर पे आ चुके थे, एंड वहाँ पे बहुत मज़ा आया, वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसे देखने को मिली थी। देन आज गर्मी थी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई। धूप ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बहुत तकलीफें आई हैं। वहाँ पे वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि सपोर्ट मिलता रहे भाई को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही आपका प्यार है, सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय।